भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह का विवादों से नाता टूट ही नहीं रहा है। शुक्रवार को फिर प्रज्ञा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर एक और विवाद खड़ा कर दिया। भोपाल के बैरागढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक कर निपटा सकती है। आप भी सुनिए क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ने। कभी पीड़ित ना होना पड़े इसके लिए कांग्रेस का सफाया होना जरूरी है। आतंकवाद ना कह पाए, हमारे धर्म पर कुठाराघात ना कर पाए, हमारे अस्तित्व पर कभी कुठाराघात ना कर पाए, मातृभूमि के साथ कभी कोई गद्दारी ना कर पाए, सैनिकों का कोई अपमान ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने स्वाभिमान को बरकरार रख सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक करके निपटा सकती है। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करके उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि प्रज्ञा को चुनाव आयोग पहले ही दो नोटिस जारी कर चुका है और एक प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। अब देखना है कि इस ताज़ा शिकायत के बाद आयोग क्या कार्रवाई करता है।